तो गाइज आज जो है ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे जो है काफी सारे सब्सक्राइबर्स यानी कि 6 से 7 सब्सक्राइबर ने रिसेंटली जो है 2023 में ही एक्सबुक सीरीज एस को परचेस किया और उसके बाद जो है कुछ ना कुछ इश्यूज जो है उनके यूनिट में आ रहे हैं, प्लस वो लोग जब वारंटी क्लेम करने की ट्राई कर रहे हैं तो वारंटी क्लेम नहीं हो रहा है। तो आखिर में वो वारंटी क्लेम क्यों नहीं हो रहा है, और साथ में मैं यहाँ पर आपको 1 से 2 प्रूफ भी बताऊंगा कि क्या एरर आ रहा है, राइट, और वो लोग जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से या फिर कौन से ऐसे सिटी से है जिनको कि वारंटी क्लेम में इश्यू आ रहा है, प्लस उसका रीजन भी जानेंगे। और बाकी यार मैं अगर बात करूँ ना तो 1 से 2 महीने पहले जो है मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाया था कि जैसे कि आपको अगर एक्सबुक सीरीज एस को परचेस करना है तो आप जो है फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से परचेस कर सकते हो, प्लस जो है आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखने परचेस करते टाइम ताकि आपको जो है वारंटी क्लेम में दिक्कत ना आए, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन उसके बाद भी जो है काफी सारे लोग वीडियो देखने के बाद भी गलती कर रहे हैं, और मैंने जो है लास्ट में आपको पता हो तो एक बुक्स भी दिखाया था एक्सबुक सीरीज एस का कि अगर मान लो कि किसी भी तरह से आपको पता नहीं चला तो जब भी आपके पास एक्सबुक सीरीज एस रिसीव होता है तो आप उसमें चेक कर सकते हो भाई, क्योंकि आपको पता है मार्केट में जो है 2 तरीके से एक्सबुक सीरीज एस बेचा जाता है, एक तो होता है इम्पोर्टेड और दूसरा होता है इंडियन। इंडियन में जो है आपको इंडिया की वारंटी मिलती है, और इम्पोर्टेड वाला अगर आप लेते हो तो भाई उसमें जो है आपको वारंटी क्लेम में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए गाइस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं और डिटेल में देखते हैं कि भाई क्या इश्यू आ रहा है और वारंटी क्लेम में आखिर में दिक्कत क्यों आ रही है, राइट। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बाकी जितने भी एक्सबुक्स रिलेटेड वीडियोस है उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, काफी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने जो है उसमें प्रोवाइड कर रखी है गाइस। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आपको भी जो है एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट परचेस करने में दिक्कत आ रही है तो अभी जो है आप यूपीआई के थ्रू भी एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट को परचेस कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, आपको विजिट करना है thegamekeys.in साइट पे, बिल्कुल ट्रस्टेड है, सेफ है, काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने जो है वहां से ही एक्सबुक्स गेम पास अल्टीमेट को परचेस करके रखा है, और वहां पर ही जो है आपको जो है डिस्काउंट कोड करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप अगर अप्लाई करते हो मेरा कूपन कोड भरत8 तो उससे मिल जाएगा आपको 8% इंस्टेंट डिस्काउंट। और द गेम कीज डॉट इन साइट से आपको कैसे यूपीआई के थ्रू एक्सबुक गेम पास अल्टीमेट को परचेस करना है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी अवेलेबल है, ऊपर आपको लिंक मिल रही होगी और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट और वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वहां से जो है उसको भी चेकआउट कर सकते हो गाइज। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि आखिर में जो है हमारे जो 6 से 7 सब्सक्राइबर्स है उनको जो है एक्सबुक सीरीज एस में वारंटी क्लेम करने में दिक्कत क्यों आई है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है एक वीडियो में प्रॉपरली बताया था भाई कि आपको जो है जब भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेस करते हो तो आपको जो है वहां पर वारंटी का डिटेल शो करता है कि आपको जो है 1 साल का ऑफिशियल वारंटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वारंटी की जगह पे कहीं पर एनए तो नहीं लिखा हुआ है। तो वो क्या होता है कि जहां पर भी एनए लिखा होता है ना अगर वो वाला एक्सबुक सीरीज एस आप परचेस करते हो तो आपको जो है वारंटी नहीं मिलेगी। और यहां पर मैं आपके साथ कुछ स्क्रीन पे डिटेल शेयर कर रहा हूं जहां पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही ये बोला है भाई कि जो भी रीजन होता है जैसे कि इंडिया है, इंडिया के लिए जो भी एक्सबुक सीरीज एस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा उसकी वारंटी जो है लिमिटेड ही रहेगी और वही रीजन के लिए ही अप्लाई होगी, क्योंकि आप इंडिया का एक्सबुक सीरीज लेके आप कहीं पर बाहर जाते हो और वहां पर एक्सबुक सीरीज एस का वारंटी क्लेम करते हो तो बिल्कुल जो है वारंटी क्लेम नहीं होगा। सेम वैसा है इंपोर्टेड वाले में, काफी लोग गलती कर बैठते हैं भाई कि बिना देखे जो है सीधा ऑर्डर डाल देते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, देखते नहीं है भाई कि वारंटी का स्टेटस क्या है, मतलब कि वारंटी आखिर में मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, वहां पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो वैसा ही कुछ हुआ हमारे सब्सक्राइबर के साथ, एक जो है सब्सक्राइबर था जिनका एक्सबुक सीरीज एस जो है ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता था भाई, जैसे ही स्विच दबाते थे भाई वो ऑन होता था फिर बंद हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया भाई कि वारंटी क्लेम के लिए प्रोसेस किया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही उन्होंने प्रोसेस किया ना भाई तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा था कि नो सर्विस ऑप्शंस अवेलेबल, राइट। तो मैंने जो है काफ़ी रिसर्च किया, वो भाई ने भी काफ़ी रिसर्च किया, मैंने जो है ट्राई किया कि माइक्रोसॉफ्ट में कॉन्टैक्ट भी हो जाए, एक बार कॉन्टैक्ट हुआ काफ़ी टाइम के बाद, 10 से 12 बार हमने कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद एक बार कॉन्टैक्ट हुआ और वहाँ पर जो है पता चला कि भाई ये जो यूनिट था वो यूनिट था इज़राइल का, इज़राइल से जो है अमेजोन सेलर ने जो एक्सबुक सीरीज एस ये भाई को भेजा हमारे सब्सक्राइबर को वो निकला इज़राइल का। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सेलर का नाम मुझे आई थिंक आइडिया नहीं है, बट वो जो सेलर था वो इम्पोर्टेड वाला ही बेच रहा था, बट वो लिख रहा था 1 ईयर वारंटी, लेकिन मैंने गाइस आपको पता हो तो बोला था कि भाई एक्सबॉक्स का जो बॉक्स आता है ना उसके पीछे लिखा हुआ था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन इंडिया। अगर वहां पर कोई भी और कंट्री मेंशन है जैसा कि यहां पर मेंशन थी इज़राइल तो आपको जो है बिल्कुल वारंटी तो नहीं मिलने वाली है, राइट। और ये भाई थे हमारे बिहार पटना से और वहीं पर जो है आपको कोई भी सर्विस सेंटर भी देखने नहीं मिलता है।
और मैंने जो 2 महीने पहले वीडियो बनाया था ना कि इम्पोर्टेंट है कि जेन्यून है वो आपको कैसे चेक करना है, राइट, तो उसके नीचे जो है काफी सारे बंदों ने कमेंट्स किए थे कि भाई हमारे पास तो जो है इम्पोर्टेड वाला है, हमें कोई वारंटी में इश्यू नहीं आ रहा है। तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ भाई, एक बार वारंटी क्लेम करके देख लो, आपको जो है खुद ही यकीन आ जाएगा। चाहे आपके पास बिल है, इनवॉइस, जो भी आप बोलो, फिर भी आप उसकी वारंटी क्लेम इंडिया में नहीं कर पाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही एक्सपीरियंस हुआ है किसी को और मैं आपको यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ कि भाई आपको वारंटी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को वारंटी क्लेम में दिक्कत आ रही है। अभी उन लोगों के पास क्या है, उनको जो है अभी जो है खुद से ही रिपेयर करवाना पड़ेगा उनका जो भी एक्सबुक सीरीज एस है या फिर कोई भी एक्सबुक का प्रोडक्ट है, राइट। तो गाइज अगर हम यहाँ पर हमारे दूसरे सब्सक्राइबर की बात करें तो उन्होंने क्या किया था कि भाई उनको जो है एक डील मिल रही थी और वो डील थी इम्पोर्टेड एक्सबुक सीरीज एस की, राइट। उनको जो है बिल्कुल सस्ते में मिल रहा था, कुछ 18,000 में जो है एक्सबुक सीरीज एस बिल्कुल वारंटी में, और वो भी 2 साल की वारंटी मिल रही थी भाई। तो जो है भाई अपने सब्सक्राइबर तो काफ़ी खुश थे कि भाई हमें जो है 2 साल की वारंटी भी मिल रही है। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि भाई एक बार जो है ये प्रोसेस फॉलो कर लो। अब प्रोसेस में क्या है, जैसे ही आप जो है आप कोई भी एक्सबुक सीरीज एस लेने जाते हो या फिर आपके पास एक्सबुक सीरीज एस रिसीव हुआ, राइट, तो उसके अंदर जैसे ही आप रजिस्टर करते हो माइक्रोसॉफ्ट साइट में, तो आपको जो है वहीं पर रजिस्टर प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है। रजिस्टर कर लो और उनके अंदर जो वारंटी दिख रही है वो तो आपको दिख ही रही है, वो तो आपको इंपोर्टेड वाले में भी दिखेगी, इंडियन वाले में भी दिखेगी, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्ट ऑर्डर करके नीचे ऑप्शन रहता है, आप यहाँ पर साइड में चेक कर सकते हो, स्टार्ट ऑर्डर करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो है एक्सबुक सीरीज एस जेन्यून है कि नहीं है। जैसे ही अगर आप नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जो है डिटेल फिल करते जाओगे, तो आप जो है नेक्स्ट तक जो है उसको वारंटी में जो जहां पर लिखा हुआ था कि आप जो है इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो, वहां पर अगर ऑप्शन आ जाता है वारंटी क्लेम का तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हो। अगर उसमें ऐसा एरर आ रहा है कि देर इज नो सर्विस ऑप्शंस अवेलेबल, तो उसका मतलब गाइस साफ समझ जाइएगा कि उसकी वारंटी आप कहीं पर भी क्लेम नहीं कर पाओगे इंडिया में, राइट। सो गाइस यही 2 एग्जाम्पल थे जो कि मुझे आपको देने थे और आपके साथ शेयर भी करने थे, ताकि ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि आप लोगों के साथ भाई कोई भी वारंटी वाला इश्यूज ना हो। आप जब भी एक्सबुक सीरीज एस परचेस करो ये चीज़ें जरूर से ट्राई कर लीजिए, और इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा कि कैसे आपको वारंटी क्लेम करना है, वहाँ पर जाके आप इजिली चेक कर सकते हो भाई। और यहाँ पर साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF भी दे दूंगा, वो होगा इंडियन रीजन के लिए, जहाँ पर वारंटी के सारे टर्म्स जो है उसमें मेंशन है। वहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने क्लियरली बोला है कि भाई अगर इंडिया से आप मतलब कोई भी रीजन से आप एक्सबुक सीरीज एस लेते हो तो उसी रीजन में जो है वो वारंटी क्लेम होगी, दूसरे रीजन में नहीं होगी, यानी कि इंपोर्टेड वाला है तो इंडिया में नहीं होगा भाई, सिंपल है, राइट। सो गाइज यही था इस वीडियो में, आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए एंजॉय।